गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्रों। देखो नाना, कल क्या पाठ पढ़ाई थी मैं, वो लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव। क्या कहती है पाठ का नाम क्या है? बदले अपनी सोच। वेरी गुड नाना। पाठ में संदेश क्या देती है? पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण कम करना, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे, हर पांचों में से दोनों को पीने का पानी भी सही नहीं है, इसलिए हम सब एवरीवन पेड़ पौधे लगाकर क्या बढ़ाना चाहिए? पर्यावरण बढ़ाना। क्या घटाना चाहिए? प्रदूषण घटाना चाहिए। प्रदूषण यानी अंग्रेजी में क्या है? पोल्यूशन। सो ऐसा संदेश क्या है उस लड़की का नाम, उस आई टोल्ड उस लड़की, उन लड़की, आई एम नॉट सेइंग वाई, वाई मीन्स हमारे से छोटी लड़की को हम संबोधन में उसको इसको, सो 13 साल की लड़की है, सो हमारे से बड़े है, सो उन्होंने, अभी उन्होंने, इन्होंने, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, तू, तुम, हम, मैं, आप, गौरव, हमारे से बड़े हैं तो गौरव, आप आए जब आपने, इन्होंने, उन्होंने, ऐसा संबोधन करते हैं। अगर हमारे से छोटे हैं तो अभी उनको क्या कहना? तू, तुम, उसको, इसको, उस लड़की ने संदेश दिया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो छोटे बच्चों को एक पुकारते हैं, कैसा? उसको, इसको भी बोला जाता है। जब हमारे से बड़े हैं हम उनको क्या देना? गौरवान्वित, आदरणीय से आप, आपने, इन्होंने, उन्होंने, पाठ की, रचना की, ऐसा। सो इसलिए हम क्या कहें यहाँ पर? उस लड़की, लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव ने संदेश में अच्छा संदेश दिया है। सो पाठ हो गया बेटा। एक बार हम ग्रामर देखेंगे नाना। ये क्या है? अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में प्रश्नों के उत्तर, थर्ड पार्ट का ही चल रहा। अभी देखो बेटा, यहाँ टेक्स्ट बुक में इस धरती पर पेड़ पौधे, पेड़ यानी बड़े, पेड़ यानि बड़ा। सो ये क्या है? पौधा, छोटा। पेड़ बड़ा, पौधा छोटा। पेड़ डालने से पौधा नहीं बनेगा, पौधा डाले तो पेड़ बनता है, नहीं? देखो बेटा, इस धरती पर, अर्थ पर पेड़ पौधों का होना क्यों आवश्यक है? प्रश्न। प्रकृति संरक्षण के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? तुम्हारे लिए प्रश्न है। धरती माँ के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता क्यों? और प्रकृति, इन्विरॉन्मेंट को क्यों बढ़ाना चाहिए? तुम सोच समझकर यह प्रश्न का उत्तर लिखना। युगरत्ना, सेकंड वन, युगरत्ना के सवालों के बारे में अपने विचार बताइए। युगरत्ना, सवाल, जवाब, अपोजिट देखो नाना, विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है? सवाल, सवाल कौन करती है? सवाल युगरत्ना श्रीवास्तव ने करती है। सवाल का अपोजिट क्या है? जवाब। सो प्रश्न, जवाब, प्रश्न, उत्तर, प्रश्न, प्रश्न, अपोजिट उत्तर, प्रश्न उत्तर। सो यहाँ युगरत्ना, युगरत्ना के सवालों के, युगरत्ना के सवालों के, why came here? युगरत्ना only one girl, सो बहुवचन में क्यों आया? why? because so many प्रश्न she asked, that's why, what here? युगरत्ना के प्रश्न एक नहीं है, युगरत्ना का प्रश्न, प्रश्न एक है तो नोट कर लो बेटा, प्रश्न एक है,
तो युगरत्ना का प्रश्न क्या है? युगरत्ना का प्रश्न क्या है? युगरत्ना का, सो एक से चार प्रश्न करती है, एक से चार प्रश्न करती है, दैट्स व्हाई हियर क्या आया? बहुवचन में के आया, युगरत्ना के, सवालों के बारे में अपने विचार बताइए। अभी देखो आ में पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम पहचानिए। यहाँ कोष्टक दिया गया है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। तुम्हारे अंग्रेजी में ब्रैकेट, तेलुगु में भी ब्रैकेट। सो तेलुगु में ब्रैकेट, अंग्रेजी में एक बार कल देखो, शब्दकोश में देखो। देखो नाना, हमें अपनी धरती बचानी होगी। सो पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम, फर्स्ट क्या आया, सेकंड पाठ का क्रम। फर्स्ट फर्स्ट शी टोल्ड माइक लिए संदेश में, हमें अपनी धरती बचानी चाहिए। नो, पाठ एक से दो बार पढ़े तो ये ऑर्डर वाइज, ये पाठ का क्रम तुमको मालूम होकर यहाँ ब्रैकेट यानी फिल फुल कर पाओगे। सो यहाँ देखो, हमें अपनी धरती माँ बचानी होगी, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती माँ को बचा ले। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया है। सो कौन सा वाक्य? शी टोल्ड फर्स्ट। सो ऑर्डर वाइज यहाँ फिलअप करो। अभी देखो अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, आई एम रीडिंग हियर देर, अनुच्छेद पढ़िए यू ऑल्सो। कहाँ से अनुच्छेद पढ़िए, इसके तीन प्रश्न बनाइए। कितने प्रश्न? त्री प्रश्न, क्वेश्चंस। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। बताते समय सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। ये क्या है नाना? अनुच्छेद। अनुच्छेद पढ़ो एक से दो तीन बार पढ़कर। कितने प्रश्न बनाना? तीन प्रश्न बनाना, तुम्हारा वर्क है। कितने प्रश्न? तीन प्रश्न बनाना। अभी देखो ई में, इन प्रश्नों के उत्तर तीन वाक्यों में दीजिए। पर्यावरण के बिगड़ने से क्या हानि होती है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना। बनना बिगड़ना, सो क्या बनता है? बनता है पर्यावरण, बनना एक्चुअल। सो पर्यावरण यहाँ क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। पर्यावरण बिगड़ने से क्या फैलता है? पोल्यूशन यानी प्रदूषण, प्रदूषण फैलता है। सो अभी देखो, यह प्रदूषण रोकने के उपाय, उपाय यानी आइडिया क्या है? उपाय यानी आइडिया, प्रदूषण रोकने का आइडिया क्या है? सो ये भी लिखो। अभी देखो बेटा, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? फ्यूचर में अगर पर्यावरण बिगड़ने से फ्यूचर में कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है?
प्रश्न। सेकंड वन, जल संरक्षण कैसे किया जाता है, पानी का सेव कैसा करना, पानी का सेव कैसा होता है। और थर्ड वन, युगरत्ना के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न उठाते। अगर इन युगरत्ना प्लेस यूवर देर, सो तुम कैसे प्रश्न करते थे, करते हो, वर्तमान सेंटेंस। सो अभी देखो ये प्रश्न के उत्तर और शब्दार्थ भाषा की बात तुम्हारे पे नोटबुक में जब का जब लिख दो, फिर प्रॉब्लम होता। सो अभी देखो इस भाषण लेख का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश लिखना, पूरा सारांश इकट्ठा करके तुम तुम्हारे उत्तर पुस्तिका यानी फ्रेम नोट में लिखो। अभी देखो प्रकृति संरक्षण पर पांच नारे स्लोगांस, पांच फाइव स्लोगांस यूसे, कितने स्लोगांस नाना, पांच स्लोगांस बोलना लिखना। थर्ड वन, युगरत्ना के भाषण में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। युगरत्ना शी गिविन स्पीच, तुमको पर्सनली तुमको क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, ये भी तुम लिखना बेटा। अभी देखो भाषा की बात क्या है, यहाँ पर भाषा की बात देखो, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य सेंटेंस करना। संघ, ध्रुवीय, लुप्त, तकनीक, वरदान, ये पांचों को वाक्य प्रयोग, फर्स्ट मीनिंग्स लिखो, फर्स्ट शब्द का अर्थ लिखो, देन आफ्टर वाक्य ओरल से, तुम्हारा ओरल से तुम वाक्य प्रयोग करो। अभी देखो बेटा ये भी फेन नोट में लिखना भाषा की बात। ओनली शब्दार्थ, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, सारांश और भाषा की बात। आमे सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी बनाइए। पानी यानी जल पर्यायवाची, पानी जल नोट कर लो, पर्यायवाची। तेलुगु में नाना अर्थालु, एक ही को सेम अर्थ आता, गगन आकाश सेम है, गगन आकाश लाइक दैट। पानी जल पर्यायवाची शब्द, कौन से शब्द, पर्यायवाची। यहाँ क्या दिया है, पानी सेम मीनिंग वो हिंदी का जल, पानी यानी वाटर नहीं, पानी यानी जल, पर्यायवाची शब्दों में जोड़ी बनाना। इकट्ठा करना, एकत्रित करना, धरती भूमि, प्रफुल्लित खुशहाल, धरा, यहाँ देखो यहाँ बनाकर यह भी बना दो। संचय करना, जमा करना, वारी ना नीर, आनंद पुलकित, धरा पृथ्वी लाइक दैट इज देयर बेटा, वेरी गुड नाना। ये इक्वल में है, ये क्रैस में है, ये जोड़ी बनाओ। ये क्या है, ये बिट्टू को क्या कहते हैं, पर्यायवाची को जोड़ी बनाना। अभी नीचे देखो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान लगाइए। वाक्य पढ़ो, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया, और आया अंडरलाइन है, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। थर्ड वन, वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर यानी भविष्य के लिए भी, भविष्य के लिए भी। यह फोर्थ वन, यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, ये हम पढ़े बेटा। ये देखो रेखांकित शब्दों में और की, बल्कि, तो आदि शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इस तरह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समुच्छय बोधक कहते हैं, कौन से बोधक, समुच्छय बोधक। और नोट कर लो कि, और एक क्या है, बल्कि और तो, ये चार क्या कहते हैं, समुच्छय बोधक, समुच्छय बोधक। इसका विवरण मैं
ग्रामर में बताती बेटा, विवरणा दूंगी लिखा कर डेफिनेशन। अभी देखो यहाँ क्या कहा है, आदि शब्द दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ना बीच में आता है। यहाँ दो वाक्य है, हमारे पूर्वजों हमें स्वच्छ स्वस्थ्य, दो शब्दों के अंदर क्या आया और आया, अब समय आ गया है कि एक वाक्य हो गया, दो वाक्यों के बीच हम कुछ कदम उठाए, दो वाक्यों के बीच में भी आया कि वर्तमान के लिए है, वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए, दो वाक्यों के बीच में दो शब्दों के बीच में ये लिया जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बेटा, समुच्चय बोधक कहते हैं। ये फेन नोट्स में लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। सेकंड वन देखो, किसी के पास, के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था। के पास, धरती के ऊपर प्रकृति है, प्रकृति के भीतर जीवन है, के भीतर, के ऊपर, के पास, ये क्या है, आदि शब्द स्थान का संबंध प्रकट करते हैं, इन्हें संबंध कारक कहते हैं। के का, के की, के पास, के ऊपर, के नीचे, क्या है बेटा, के पास, के ऊपर, के नीचे, ये क्या है, संबंध मिलाता है, संबंध प्रकट करते हैं, इसलिए संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अभी देखो नीचे, वाह, हाय, ओह, ये क्या है, वाह कितनी सुंदर प्रकृति है, हाय कितना प्रदूषण फैला है, ओह यह क्या हो गया, ये क्या है, ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है। सो रेखा किन शब्दों में, वाह, हाय, ओह आदि शब्द आश्चर्य बोधक है, ये क्या है, आश्चर्य प्रकट करता है, आश्चर्य बोधक है। सो ये बिट तुम्हारे उत्तर पुस्तिका में लिखो। और नीचे देखो बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अव्ययों से कीजिए। ये क्या कहते हैं, अव्यय, वाह के नीचे, और ये तीन क्या है, अव्यय। सो जंगल में शाकाहारी क्या था, लिखो, पेड़ डैश उसकी जड़ें होती है, डैश मुझे अच्छे अंक मिले। सो अप टू यहाँ तक तुम्हारे उत्तर पुस्तिका में कंप्लीट करो, एक से दो तीन बार पढ़ो बेटा। थोड़े बच्चे, दो तीन बच्चे बुक्स नहीं खरीदे, प्लीज़ बुक्स खरीदो। सो अभी देखो बेटा, पाठ पूरा कंप्लीट करो, पाठ एक से दो बार पढ़ो, प्रश्नों के उत्तर भी पढ़ो।